भाई पूरा मामला ये, मैं तो यहाँ कल निकल के जा रहा था एक घंटे पहले, तो मैंने देखा ये 10 फुट का गड्ढा है, ना तो इसमें रोड़ी है, ना करेसर है, ना मट्टी है, आप देखो। तो एक भाई जा रहा था अपने बच्चों को लेके, उसके दो पहिए चले जाते, वो गाड़ी निकाली नहीं, वो मर जाते। वो आज यहाँ कोई घटना हो जाती। और यही नहीं, हमारे 89 विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह तो पानी भर रहा है, देखो सुनो, और कोई निकासी नहीं है, और ना तो सीवर की पता लगी। आज अगर बारिश होती, देखो भाई मैं राजनीति नहीं करता, मौत पे मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मेरा नाम किशन ठाकुर है, मैं झूठ नहीं बोलता। अगर बारिश होती तो पता नहीं लगती, आज कोई ना कोई घटना हो जाती। आप बताओ, 10 फुट खड्डा नीचे है, तो ये घोटाला ही तो है नगर निगम का। और क्या, ये नगर निगम काम करके राजी नहीं है कोई भी, एक कहीं भी, पूरे 89 विधानसभा में चले जाओ, चाहे बड़कल में चले जाओ, चाहे NIT में, चाहे कहीं भी चले जाओ, यही है नरेंद्र गुप्ता जी का इधर घर है, मुझे तो पता नहीं, बता रहे हैं लोग। और ये हमारे डिप्टी कमिश्नर, ये 12 सेक्टर कोर्ट है, अगर यहाँ ही देखो ना, पोच एरिया है तो भाई, ये तो पोच एरिया है, यहीं इतना बुरा हाल है तो हमारी कॉलोनियों में क्या होगा। भूड़ कॉलोनी, बसेलवा कॉलोनी, गोपी कॉलोनी, राजा गार्डन, बाबा नगर, अंजरौंदा, दौलताबाद, तार कतई 2 फुट पर चल ले। ये तो मुझे ऐसा लगा कि जेल ही इनको यहाँ से निकाल निकाल के भेजेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखो, या तो यहाँ से जेल वाले इनको घुसाएंगे, या वहाँ निकालेंगे कोर्ट में। 12 सेक्टर देखो ना, कहाँ जा रहा, सुरंग पता नहीं लगी। इसमें कोई भी रोडी करेसर जो अंदर होता है ना भाई साहब, इतनी जब ही धसती है, यहाँ कोई पानी की तो ऐसा नहीं है कि अंदर बढ़ गया, ये जब धसती है, जब अंदर से पोला हो, ये सारी सड़क पोली हुई पड़ी है फरीदाबाद पूरी। और विधायक का घर इधर बता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं, वैसे सच बात बता रहा हूँ, इधर बताते हैं कि विधायक का घर है, मैंने तो देखा नहीं है भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, और ना मैं लाशों पर राजनीति करता, ना मैं झूठी राजनीति करता, मैं तो आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूँ, फरीदाबाद 89 विधानसभा की जनता को, कि भाई इनको अब के निकास के फेंक दो, ये सेक्टर में भी ध्यान नहीं दे रहे, तो कॉलोनी में तो इनका मतलब ही नहीं बनता। आप मुझे एक बार बताओ भाई साहब, सच बताना, आप भूड़ कॉलोनी चले जाओ, आप बसेलवा कॉलोनी चले जाओ, आप अंजरौंदा चले जाओ, आप दौलताबाद चले जाओ, आप गोपी कॉलोनी चले जाओ, पीने का पानी नहीं है, और तारें जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं आपके, हमारे 2-2, 3-3 फुट नीचे है, 1 फुट ही बचते हैं तार। अंजरौंदे में जाओ आप, तारन की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की, पीने की पानी की अगर व्यवस्था है, MLA नहीं दे सकता तो MLA को रिजाइन दे देना चाहिए आज। सरकार विफल अभी है इस मुद्दे पे, आप साथ देख रहे हो, सीधे तौर पर हम देख रहे हैं, इतना बड़ा गड्ढा है ये, रोज़ हम यहाँ से गुजरते हैं, मैं खुद डेली जाता हूँ यहाँ से, 14 सेक्टर भी जाता हूँ, 15 सेक्टर भी जाता हूँ, मुझे नहीं पता था इसके अंदर इतनी गहराई है। और आप देख सकते हो, ना कोई मिट्टी है, ना सीमेंट है, ना कंक्रीट है, ना कोई रोड, कोई तरीका ही नहीं है। मरना थोड़ी है, हम दूसरे का जीवन उस पर दाव पर थोड़ी लगाना है भाई, वो तो आते जाते नहीं है यहाँ से, हम आते जाते हैं, समस्या हमें झेलनी है, ना थोड़ी झेलनी है, वो तो विधानसभा चले जाते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं वो, तो हमें फरीदाबाद में रहना पड़ता है, वोट के टाइम पर शहर आते हैं।